जय हिंद साथियों। साथियों अभी के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर रेलवे एग्जाम 2024 के लिए सेट नंबर 43 को। साथियों सेट नंबर 43 को हम लोग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने सेट नंबर 42 तक टोटल कंप्लीट कर लिया है। और जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर रहे हैं हम उनसे बतला दें साथियों, हम आप लोग को ऐसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं जो कि आप लोग के रेलवे में बार बार पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। जैसे ये तो आप लोग का हो गया जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कुछ कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को ऐसे भी लेकर के आते हैं जो कि तीन तीन बार चार चार बार रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। जैसे हम आप लोग को एग्जाम्पल के तौर पर अगर दिखला दें तो नीचे आप लोग स्क्रॉल करिएगा, ये जैसे जेई में पूछा हुआ है, फिर स्क्रॉल करते हैं तो देखिए ये आप लोग का एएलपी टेक्निशियन में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक इसी प्रकार के आप लोग को टोटल जो है 200 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एक सेट में। तो साथियों इस क्लास में आप लोग को टॉप 20 ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आप लोग के प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हो, और उसके साथ साथ टीसीएस पैटर्न पर आधारित जो है आप लोग के क्वेश्चन कुछ देखने को इसमें मिलेंगे। टीसीएस आप लोग का रेलवे का एग्जाम इस बार भी कंडक्ट कराने वाली है, इसलिए हम आप लोग का टीसीएस पर भी कुछ क्वेश्चन इसमें डालते हैं साथियों। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 43 को। कह रहा है सेट नंबर 43 का पहला नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि तरंग का आयाम किस पर निर्भर करता है, ध्वनि तरंग का आयाम जो है ये किस पर निर्भर करता है। ये हम आप लोग को सेट नंबर 42 में होमवर्क के तौर पर ये क्वेश्चन हम दिए थे। डेली हम रोजाना आप लोग को एक सेट में एक होमवर्क के तौर पर देते हैं, तो इसके ये भी हम आप लोग को होमवर्क दिए थे। इसका राइट आंसर सभी को बतलाना है, ध्वनि तरंग का आयाम जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो हम आप लोग को बतला दें साथियों, जो ध्वनि तरंग का आयाम होता है वो आप लोग का वस्तु की गुणवत्ता पर निर्भर करता है क्या? नहीं, वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंग का आयाम जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो ध्यान रखिएगा वस्तु को कंपन कराने के लिए प्रयुक्त बल में जो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं अपने सेकंड नंबर क्वेश्चन को। तो सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कह रहा है कि परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है वह क्या कहलाता है, बल पूछ रहा है, ध्यान रखेगा साथियों। ये आप लोग का एएलपी टेक्निशियन में 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, और देखिए आप लोग के ऑप्शन है यहाँ पर नाभिकीय बल, विद्युत स्थैतिक बल, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल, या फिर ज्वारीय बल। तो हम आप लोग को राइट आंसर बता दें साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का नाभिकीय बल। परमाणु के भीतर पूछ रहा था ना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो नाभिकीय बल होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय बल। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर देखते हैं इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है साथियों। तो देखिए कह रहा है कि प्रोटॉन ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटेरियम, ठीक है सॉरी प्रोटॉन नहीं प्रोटियम है, ठीक है प्रोटियम ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटेरियम डैश के प्रयुक्त रूप से पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, बतलाइए किसके है भैया, स्वर्ण के हैं, हाइड्रोजन के हैं, नाइट्रोजन के हैं, या फिर कार्बन के हैं, किसके राइट आंसर बताइए। हम बोले हैं ना टीसीएस पैटर्न पर भी आधारित क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए देखिए टीसीएस का भी आप लोग को क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल गया साथियों। इसका राइट आंसर सभी भाई जो है अपना अपना कॉमेंट सेक्शन में फटाफट जो है बता दीजिए। और उससे पहले बता दें जो भी कैंडिडेट सेट नंबर 42 तक जो है क्लासेस को वॉच करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। देखिए भाई आप लोग को हम दिखला दे रहे हैं, आप लोग जैसे ही चैनल पर विजिट कर रहे हैं ना तो आप लोग को सेट नंबर 42 तक कहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक इसी पैटर्न पर टोटल आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आप लोग आते हैं जैसे ही चैनल पर विजिट करते हैं, तो देखिए चैनल पर विजिट करने के बाद ये प्लेलिस्ट वाला लिंक में आ जाएगा, देखिए होम वीडियो शॉर्ट प्लेलिस्ट। तो प्लेलिस्ट पर आप लोग जैसे ही आते हैं ना दोस्त, तो देखिए प्लेलिस्ट में आने के बाद आप लोग को पहला नंबर ही ये जो प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा, इसमें टोटल 4200 आप लोग को क्लासेस कराए गए हैं। देखिए स्क्रॉल करिएगा टोटल आप लोग को 42 ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन कराए गए जैसे हम आप लोग को अभी क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग जरूर से जरूर वॉच कर लीजिएगा, मिस मत करिएगा साथियों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बेस्ट क्लास रहने वाला है रेलवे के एग्जाम 2024 के लिए साथियों। और आज से ही हम आप लोग का जीकेजीएस का भी क्लास स्टार्ट करने वाला है, तो आप लोग को हड़बड़ाने की बात नहीं है, सारी तैयारी फुल प्रिपरेशन आप लोग को हम अपने चैनल के माध्यम से रेलवे की करा देंगे साथियों। देखिए इसका जो है आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रोटियम ड्यूटेरियम और फिर ट्राइटेरियम के प्रयुक्त डैश के प्रयुक्त रूप में पाए जाने वाले समस्थानिक हैं, स्वर्ण तो नहीं होगा, हाँ हाइड्रोजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ध्यान रखिएगा क्या होगा हाइड्रोजन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं फोर नंबर क्वेश्चन को। फोर नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था, रेडियो सक्रियता का शब्द का प्रयोग शब्द पर किसने किया था सर्वप्रथम, यानी कि सबसे पहले किसने किया था, तो भैया हेनरी बेकुरेल ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने, या फिर डी ब्रोगली ने, किसने किया था साथियों। यह आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका अगर हम लोग राइट आंसर देखिएगा साथियों, तो देखिए रेडियो सक्रियता शब्द का जो पहली बार प्रयोग है वो किसने किया था, तो आप लोग का हो जाएगा मैरी क्यूरी, हाँ मैरी क्यूरी ने ही किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी, ठीक है हेनरी बेकुरेल पर हम थोड़ा कंफ्यूज थे बट मैरी क्यूरी होगा,
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने फाइव नंबर क्वेश्चन को। फाइव नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कर रहा है रेडियो धर्मिता किसका विखंडन है। चलिए ये आप लोग का टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता जो है वो किसका विखंडन है आप लोग का, नाभिक का, आयन का, या फिर परमाणु का, या फिर अणु का। सभी कैंडिडेट जो है अपना अपना राइट आंसर एक कॉपी ले लीजिए भैया, कलम ले लीजिए, अपना अपना इधर जो है राइट आंसर नोट करिए और हमारा आंसर को एक साइड नोट करिए और बीच में लास्ट में मैच करके आप लोग अपने कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का 20 में से जो है कितना सही हुआ है साथियों। ठीक है, तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम आप लोग को बता दें, इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आप लोग का रेडियोधर्मिता किसका विखंडन है ना, नाभिक का है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नाभिक का है। रेडियोधर्मिता जो है वो किसका विखंडन है, तो नाभिक का है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने सिक्स नंबर क्वेश्चन को। सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है रेडियोधर्मिता मापी जाती है। बताइए साथियों, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित आप लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, रेडियोधर्मिता मापी जाती है, ये चलिए आप लोग के लिए होमवर्क रह गया आज का होमवर्क। सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में बताना है, भले आप लोग को आता है वो इसका आंसर या नहीं, मगर सभी भाई जितने भी भाई हमारे क्लास को वाच कर रहे हैं आप लोग इसका राइट आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बतला दीजिएगा। रेडियोधर्मिता जो है वो मापी जाती है, बतलाइएगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन आप लोग के पास चारों ऑप्शन है, आप लोग अपना अपना राइट आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बतला दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कल के यानी कि सेट नंबर 44 में आप लोग का ये पहला नंबर क्वेश्चन पर यही क्वेश्चन रहेगा और इसका हम राइट आंसर वहां पर बतलाएंगे सेट नंबर 44 में। चलिए सेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व है, बताइए साथियों। कोबाल्ट है, यूरेनियम है, आर्गन है, क्रोमियम है। ठीक है, तो इसका भी आप लोग राइट आंसर फटाफट साथियों कमेंट सेक्शन में अपना अपना जो है नोट करिए कॉपी में। ठीक है, और उससे पहले बता दें जो भी कैंडिडेट्स अगर ठीक इसी पैटर्न पर आधारित अगर आप लोग पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं अगर अपना प्रिपरेशन के लिए, तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है भैया, आप लोग ये इस पीडीएफ को देख लीजिए। ये पीडीएफ आप लोग के लिए स्पेशली तैयार किया गया है। इस पीडीएफ में आप लोग को साथियों जो है 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये ठीक इसी प्रकार के सिलेक्टेड क्वेश्चन है और उस पर रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें ऐड किए गए हैं। 4000 प्लस साथियों क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे जो आप लोगों के एग्जाम में पूरी की पूरी आने की संभावना है रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस पीडीएफ को बाई कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप लोग के लिए व्हाट्सएप नंबर हम दे रहे हैं भैया, आप लोग व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 78 70 14 14 12 38। ठीक है, ध्यान रखिएगा भैया 78 70 14 12 38 अपना नंबर को जो है नोट कर लीजिए और आप लोग जो है इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इस पीडीएफ को जो है बाई कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करके आप लोग इस पीडीएफ को बाई कर लीजिएगा और इस पीडीएफ का मूल्य अगर आप लोग पूछेगा तो 1 and only 40 रुपए है। ठीक है, ज्यादा इसका मूल्य भी नहीं है, यानी कि 1 रुपए में साथियों 1 रुपए में आप लोग को 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं भैया। तो अब इससे आसान क्या चाहिए, 1 रुपए में 100 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, वो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, वो भी रेलवे के एग्जाम के लिए। बेस्ट पीडीएफ है भैया, आप लोग अगर चाहें तो बाई कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी है भैया। जिस पैटर्न पर आधारित हम आप लोग को डेली प्रैक्टिस सेट कराते हैं उसी पैटर्न पर आधारित आप लोग को ये देखने को मिलेंगे। चलिए अब सेवन नंबर क्वेश्चन को कवर करते हैं। सेवन नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा था निम्न में से कौन सा जो है एक रेडियोधर्मी तत्व है, रेडियोधर्मी तत्व बतलाना है साथियों। तो देखिए यहाँ पर कोबाल्ट होगा क्या, नहीं होगा, रेडियोधर्मी थोड़ी है, यूरेनियम है, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, यूरेनियम आप लोग का एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यूरेनियम आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कवर करते हैं अपने 8 नंबर क्वेश्चन को। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है साथियों, आइए इसको देखते हैं। कह रहा है सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है कौन सा है साथियों, बताइए फटाफट अपना अपना आंसर जो है नोट कर लीजिए और राइट आंसर अपना अपना जो है राइट लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, आरआरबी जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व है कौन सा है साथियों, तो बता दें ड्यूटेरियम है क्या, ड्यूटेरियम है क्या बताइए आप लोग सभी भाई, ड्यूटेरियम है क्या, नहीं है। एक विशेष तत्व जिसका प्रभाव रेडियो पर पड़ता है, नहीं है। फिर से ट्राइटियम है क्या, ट्राइटियम हाँ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सबसे हल्का रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है, ट्राइटियम है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कवर करते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन को। तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का क्या कहता है, श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जिन 2 तत्वों का उपयोग किया जाता है वो कौन से तत्व हैं। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, बतलाना है आप लोग को कौन से वो तत्व हैं जो कि श्रृंखला अभिक्रिया के दौरान नाभिकीय विखंडन में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए जिन 2 तत्वों का उपयोग किया जाता है वो दोनों तत्व कौन से हैं, उनका नाम क्या है, आप सभी भाई को बतलाना है। तो देखिए साथियों आप लोग को बता दें, बोरॉन और प्लूटोनियम तो नहीं होगा भैया, ये तो नहीं होगा, चलिए राइट आंसर बतला ही दे यार, बोरॉन और फिर कैडमियम ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, बोरॉन और फिर आप लोग का कैडमियम होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कवर करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो हम लोग का कर रहे साथियों, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो बताइए साथियों राइट आंसर फटाफट सभी भाई को बता देना है। निम्न में से कौन सा जो है रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, तो रेडियोधर्मी तत्व आप लोग का देखिए साथियों, यहाँ पर प्लूटोनियम हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, ट्राइटियम नहीं, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ट्राइटियम। ठीक है, टाइटेनियम जो है ये आप लोग का रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर जो क्वेश्चन वो कह रहा है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है, क्योंकि वह उत्सर्जित करता है, क्या उत्सर्जित करता है साथियों बताइए। यह आप लोग का आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है। अल्फा किरणें उत्सर्जित करता है, बीटा किरणें उत्सर्जित करता है, गामा किरणें उत्सर्जित करती है, या फिर एक्स किरणें उत्सर्जित करती है, बताइए साथियों। सभी कैंडिडेट्स को इसका राइट आंसर जो है कॉमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर अपना अपना जो है बताइएगा लास्ट में कितना सही होता है। और जो भी कैंडिडेट्स चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे आग्रह करेंगे भाई, आप लोग हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम आप लोग को रोजाना ऐसे प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और आज से आप लोग का शाम के टाइम में जीके जीएस का भी क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, जो कि ठीक इसी पैटर्न पर आधारित देखने को मिलेंगे। रेलवे में जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके जीएस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आप लोग को आज से स्टार्ट करा देंगे, और आज के आप लोग का क्लास वो भी स्टार्ट कर दिया जाएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का साथियों, देखिए अल्फा किरणें होगा क्या, बीटा किरणें होगा क्या, नहीं गामा किरणें होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, गामा किरणें। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है, तो क्योंकि वह क्या उत्सर्जित करता है भैया, तो गामा किरणें उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन को। तो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, बताइए साथियों। सूर्य में होती है, परमाणु रिएक्टर में होती है, सागर की लहरों में होती है, या फिर धरती के क्रोड में होती है, बताइए। सभी कैंडिडेट्स इसका जो है राइट आंसर अपना अपना बता दीजिए साथियों। ठीक है, परमाणु संलयन प्रतिक्रियाएं जो है स्वचालित रूप से होती है, तो भैया किसमें होती है, सूर्य में होती है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन को हम लोग कवर कर लेते हैं, क्या कहता है 30 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, कोई भी अभिक्रिया जो अविलीय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे डैश कहा जाता है, बताइए साथियों उसे क्या कहा जाता है। ये आप लोग का ग्रुप डी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है साथियों, 2022 का आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या कहता है इसको, फटाफट अपना अपना जो है राइट आंसर बता दीजिए साथियों। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया जो अविलय अवक्षेप उत्पन्न करती है उसे क्या कहा जाता है भैया, तो उसे क्या कहा जाता है, तो हम आप लोग को बता दें अगर साथियों, इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए आप लोग का, अवघटन अभिक्रिया होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, अवक्षेपित अभिक्रिया होगा, अवक्षेपण अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कवर करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, अच्छा एक बात और है, जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे बोलेंगे, भैया नए हैं या फिर पुराने हैं, एक बार धड़ाक से भैया सभी लोग वीडियो को शेयर कर दिए, जितने भाई हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं सभी लोग फटाफट एक ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग से निवेदन है हमारे छोटे भाई। चलिए, और नए चैनल पर नए विजिट किए हैं तो उनसे तो आग्रह है भैया कि चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऑक्सीकरण प्रतिक्रियाएं में निम्नलिखित में से क्या होता है, बताइए साथियों। ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है आप लोग का, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है क्या, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है क्या, प्रोटॉन में वृद्धि होती है, या फिर प्रोटॉन में कमी होती है साथियों, बताइए आप लोग अपना अपना फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हम आप लोग को अगर इसका राइट आंसर बता दें साथियों, तो देखिए ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है पूछ रहा है ना, तो निम्नलिखित में से क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है क्या, नहीं होती है, कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कमी होती है। 50 नंबर कह रहा है कि खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, बताइए। नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीकरण का, ऑक्सीजन का, या फिर क्लोरीन का, बताइए। टीसीएस पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चन है आप लोग का, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी भाई जो है अपना अपना नोट कर लीजिए। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस गैस का पूछ रहा है साथियों, तो नाइट्रोजन का, ध्यान रखिएगा। टीसीएस पैटर्न पर रहती है क्वेश्चन है आप लोग का, नाइट्रोजन आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, कवर करते हैं अपने 60 नंबर क्वेश्चन को। तो 60 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, नाइट्रोजन एक डैश बनाता है, तो नाइट्रोजन जो है वो क्या बनाता है, टीसीएस पैटर्न पर रहता क्वेश्चन है साथियों, नाइट्रोजन एक क्या बनाता है भैया, कैटायन बनाता है क्या, नहीं बनाता है, आयन बनाता है क्या, बनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, आयन। ठीक है, क्या हो जाएगा भैया, नाइट्रोजन एक
आयन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपने 70 नंबर क्वेश्चन को। 70 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन जो है वो होता है, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन जो है आप लोग का होता है। टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन आप लोग का, किसमें जो है आप लोग का न्यूट्रॉन नहीं होता है। साथियों ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है, नहीं 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 नहीं, ठीक है। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है बतलाइए फटाफट, जो है अपना अपना राइट आंसर इसमें नोट कर लीजिएगा। निम्न में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है क्या? ऑक्सीजन में तो भैया होता है, नाइट्रोजन में होता है, हाइड्रोजन में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो हाइड्रोजन में नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग कवर करते हैं अपने 80 नंबर क्वेश्चन को। तो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डाइस बनेगा। तो बतला दे साथियों आप लोग को, मुख्य उत्पाद के रूप में जो है क्या बनेगा यहाँ पर? टीसीएस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है आप लोग का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा क्या, या फिर एसिटिक अम्ल बनेगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, या फिर बिना बुझा हुआ चूना बनेगा। तो बतला दे साथियों आप लोग को, यहाँ पर जब शुष्क बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में जो है वो डैस बनेगा। तो बतला दे साथियों, मुख्य उत्पाद के रूप में आप लोग का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग का एक क्वेश्चन बचेगा, लास्ट क्वेश्चन। उससे पहले साथियों, जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके भाई वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, तो भैया आप लोग से निवेदन है, प्लीज से प्लीज आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में जल का निर्माण उदाहरण है बताइए, कौन सा हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से जल का निर्माण जो है, यह इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो बता दे साथियों, संयोजन अभिक्रिया होगा क्या? यस होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग कवर करते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन को, यानी कि आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन को। तो जो लास्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, मीथेन और क्लोरीन गैस से मिथाइल क्लोराइड बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए साथियों, अभिक्रिया पूछ रहा है, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया जब पूछे भैया, वो भी आप लोग का ग्रुप डी का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, दहन अभिक्रिया है क्या? नहीं है भैया, ये नहीं होगा। यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा क्या? यस हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पर राइट आंसर। चलिए साथियों, इसके साथ हमने आज कवर कर लिया भैया कौन से सेट को? तो सेट नंबर 43 को। ठीक, इसी प्रकार हम आप लोग को रोजाना प्रैक्टिस सेट कराते हैं, सेट नंबर 44 को हम लोग कल देखेंगे, और आज से आप लोग का जीके जीएस का भी ठीक इसी प्रकार का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा। जीके जीएस का सेट नंबर 1 हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं साथियों। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी जॉब के लिए फॉर्म को फिलअप किए हैं तो। साथियों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, और हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स भी बताते हैं, नए नए जितने भी जॉब्स आते हैं सभी के अपडेट्स भी बताते हैं। तो उसके लिए भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।